आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। नेता चुनावी जनसभाएं कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हिमाचल में 12 नवंबर को एक चरण में 68 सीटों पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद फैसला होगा कि आखिरकार हिमाचल में किसकी सत्ता होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर वह कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम पहले बंजार विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद बल्लनाचन गगरेट विधानसभा में चुनावी जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। और बात करेंगे इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आज चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वोट की भी लोगों से अपील करेंगे, क्या कुछ अहम जानकारी है? हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। देखिए, मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, लेकिन बीजेपी बहुत ही गंभीरता से इस विधानसभा चुनाव को ले रही है। अमूमन सारे चुनाव को की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी काफी पहले से करती है और हमेशा चुनावी मोड में रहती है और इस बार भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो इसकी कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में ही है। अब उनकी लोकप्रियता आप समझ सकती है कि किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव हो, मुख्यमंत्री योगी की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा रहती है। और यही वजह है कि आज वो 3 जनसभाएं वहां पर करने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि उनका ये सप्ताह भर के अंदर से ये 5वां दौरा है। कल भी मुख्यमंत्री योगी हिमाचल में थे, परसों भी हिमाचल में थे, इससे पहले भी हिमाचल में थे और 5वीं बार आज वो हिमाचल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और 3 जनसभाएं हैं और पहली जो जनसभा है वो अभी कुछ देर में शुरू होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी हिमाचल पहुंच चुके हैं और करीब 11:30 बजे की पहली जनसभा कुल्लू जिले में है, सहज मेला ग्राउंड पर, जहां पर पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में उनका मतदान करने का कार्यक्रम, पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वो अपील करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार हिमाचल में जब दोबारा बनती है तो विकास की गंगा किस तरीके से बहेगी, किस तरीके से यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी। और इसके बाद ये दूसरी जो जनसभा है वो उनकी जिला मंडी में है, करीब 1 बजे कत्सा चौक में ये दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। और तीसरी जनसभा करीब 2 बजे है, ये भी जिला मंडी में है। देखिए, मंडी जिले में 2 जनसभाएं हैं और दूसरी जनसभा धनोटू में है और यहाँ पर वो अपनी जनसभा यानी आलोक जी। उसके बाद में एक और जनसभा उनकी लगी हुई है, चौथी भी जनसभा है, करीब 4 बजे गगरेट में चुनावी जनसभा करेंगे। यानी कि आज 4 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी हिमाचल में संबोधित करने का काम करेंगे। और देखा जाए तो अब तक उनका ये 5वां दौरा है और 5 दौरों में करीब 16 से ज्यादा वो जनसभाओं को संबोधित कर चुके होंगे। जी, यानी आज 4 चुनावी जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है आलोक जी, और 12 नवंबर को मतदान है, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। जी आलोक जी। हाँ बिल्कुल, देखिए आप बीजेपी और सभी राजनीतिक दल वहां पर चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और हर स्तर से जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं और ताकि उनकी पार्टी की सरकार बन जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मजबूती के साथ हिमाचल के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से लौट कर आए। जी बिल्कुल, यानी हर तरह से प्रयास किया जा रहा है जनता को लुभाने में कि किस तरह की जनता वोट दे। हालांकि सीएम योगी के आदित्यनाथ के वहां पर जाने पर, हिमाचल प्रदेश में जाने से ये देखने वाली बात है कि कितना असर पड़ेगा। फिलहाल आलोक जी, ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।